हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट रिजल्ट को लेकर आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है, क्योंकि उम्मीदवारों को अपनी रिजल्ट को लेकर थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अधीनस बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है आप सभी के रिज़ल्ट को लेकर। और इस रिज़ल्ट में अभी तक विलंब क्यों हुआ है, उन चीज़ों को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूं, और आप सभी को कितना समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि आप सभी की जो एग्ज़ाम है वो निर्धारित समय पर करा ली गई, उसकी आंसर की भी जारी की गई, और साथ ही उम्मीदवारों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन भी लगाया। पर दोस्तों, रिज़ल्ट में आखिर इतनी डिले क्यों हो रही है, क्योंकि कई सारे मीडिया सोर्सों के अनुसार यह कंफर्म किया गया था कि जो अधीनस्थ बोर्ड है वो 25 अगस्त तक किसी भी कंडीशन में जो है लैब असिस्टेंट की जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर पब्लिश कर देगा। पर दोस्तों, सारी सोर्सेज जो हैं वो इस बातों को लेकर दावा कर रही थी कि अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से उनके कर्मचारियों द्वारा इस न्यूज़ को कन्फर्मेशन किया गया है, पर किस कारण की वजह से इस एग्ज़ाम को कि जो रिज़ल्ट है उसे क्यों डिले किया गया है उसके बारे में जो अपडेट निकल कर आ रही है वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड के अंदर कुछ अभी रिक्रूटमेंट आनी बाकी हैं, जैसे कई सारे यहाँ पर रिक्रूटमेंट अभी आने की बाकी हैं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उन चीज़ों पर जो है कार्यालय जो है पूरे तरह से फोकस कर रहा है, क्योंकि उन भर्तियों में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है डिले कर दिया गया है उसकी नोटिफिकेशन को लेकर। तो इसलिए अधीनस्थ बोर्ड जो है उन रिज़ल्टों की जो प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो हो गई है, और साथ ही स्लो होने की एक और कंडीशन है, क्योंकि फाइनली जो आप सभी की जो फाइनल रिज़ल्ट है वो बनकर फाइनली जब सबमिट होने जाती है, फाइनल चेकअप के लिए जाती है कि किसी तरह की कोई भी इस रिज़ल्ट में गड़बड़ी ना है, तो उस चीज़ को क्लेरिफाई किया जाता है। पर दोस्तों, अभी तक जो वो पेपर है, वो जो फाइल है, वो तो अधिकारियों द्वारा पहुंच गई है, पर दोस्तों अभी तक उसकी जो है पूरे तरह से यहाँ पर जो है इंस्पेक्शन नहीं हो चुकी है, जिसके कारण रिज़ल्ट डिले हो रही है। पर दोस्तों, फाइनली जो अधीनस्थ बोर्ड के कर्मचारियों हैं उनके द्वारा एक अपडेट दिया जा रहा है लैब असिस्टेंट रिज़ल्ट को लेकर, कि उनके तरफ से यह एक चीज़ कंफर्मेशन की गई है, गारंटेड नहीं है, पर दोस्तों यह एक आप मान सकते हैं कि अनऑफिशियली जो अपडेट है उन्होंने बताया है कि सेकेंड वीक तक जो है फाइनली आप सभी के, यानी कि दोस्तों सितंबर के सेकेंड वीक तक यहां पर कंफर्मेशन बताया जा रहा है कि जो लैब असिस्टेंट की जो रिज़ल्ट है उसकी प्रक्रियाओं के इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए ही अपडेट निकल कर आ रही थी, अगर इसके रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और साथ ही दोस्तों आई बटन पर क्लिक कर जो है कटअप की पूरी डिटेल भी जान सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।